विजय सर कोई नॉर्मल स्टार नहीं है, हम सबके दिलों के सुपरस्टार है वो। जंगल मेरा मुझे कहते हैं शेर। मुझे साल में 4 पिक्चरें करनी होती हैं, 2 OTT की भी और 28 एड्स भी हैं सर, 17 शोज और एक आधा रियलिटी शो भी करना होता है। इनके लाखों करोड़ों फैंस की तरह मेरे और मेरे बेटे का भी सपना है अपने सुपरस्टार के साथ एक सेल्फी लेने का। क्या फालतूगिरी चल रही है? पेंटी विजय सर के डांस नंबर के बारे में उचका ना तो अपना डिवोर्स हो जाएगा। सेल्फी। दुनिया जानती है कि अगर एक्टिंग के अलावा मेरा कोई दूसरा प्यार है तो वो है ड्राइविंग। हीरे होते हुए विजय सर के पास लाइसेंस नहीं, 2 दिन में लाइसेंस पकड़वा दूंगा। प्लीज मैडम, प्लीज एक सेल्फी दिलवा दीजिए प्लीज। ऐसे फैंस की वजह से हम जिंदा हैं, वरना हम तो कब के। अपने फैंस से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बस बुरा तब लगता है जब कुछ फैंस मेरे प्यार का फायदा उठाते। सबके सामने अपनी यही चोर दिखाना चाहते थे ना तुम, कि तुम्हारे कहने पर एक फिल्म स्टार सुबह 7 बजे आ गया RTO। तुम्हें क्या लगता है तुम लाइसेंस नहीं दोगे तो क्या लाइसेंस नहीं मिलेगा मुझे? बेटे एक बात सीख लो, अपने बाप जैसा ना अपॉर्चुनिस्टिक कभी मत बनना। विजय सर सबके लिए हीरो होंगे पर मेरे हीरो आप हो। विजय सर की लड़ाई उनके सबसे बड़े फैंस है, अब तेरा हीरो जीतेगा मेरे हीरो से। हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा। जिस पब्लिक ने आसमान पे चढ़ा है वही पब्लिक उस सितारे को जमीन पे लेके आएगी। अगर उन्हें लाइसेंस चाहिए तो एक आम आदमी की तरह यहाँ आकर सारे टेस्ट देने पड़ेंगे। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। वॉल्यूम बढ़ाइए। फैन था ये सर का, अब सेलिब्रिटी बना घूम रहा है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए। अब भाई लर्नर्स टेस्ट, रोड टेस्ट, चाहे तो ब्लड टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट, यूरिन टेस्ट सब देके जाऊंगा और ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाऊंगा ओम प्रकाश अग्रवाल जी के हाथों। तो अग्रवाल साहब कैसा लग रहा है एक सुपरस्टार से टक्कर लेकर? मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। आपको आइडिया नहीं है जब एक सीधे साधे आदमी सटकती है तो किस हद तक जा सकता है। आज शुरू से शुरुआत करते हैं।